आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरह के आप पल्सेस से और लेंटिल से सैलड बना सकते हैं इस डाइट प्लान के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए हो गया इस तरह के तीन पल्सेस और लेंटिल्स। पहला जो पल्स आप यूज़ कर सकते हैं वो है ये, ओके, भी बोलते हैं, छोले के चने भी बोलते हैं, ओके। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके पल्सेस के सैलड में। सेकेंड आता है ये, जिसको बोलते हैं काबुली चना और इस तरह का कुछ है। ये वाइट नहीं, ये ब्राउन है। इसका साइज़ देखिए, ये थोड़ा बड़ा सा है, ये वाइट कलर का चिकपी है और ये सिर्फ नॉर्मल काबुली चना है। ओके, ये ब्राउन कलर का इस तरह के छोटे छोटे साइज़ में आता है। ये तो हो गए दो पल्सेस के कैटेगरी। थर्ड जो लेंटिल है आप यूज़ कर सकते हैं वो है होल मूंग दाल, ओके। ये बड़े वाले दाने वाले मूंग दाल हैं। सो इसको आप स्प्राउट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यू कांट यूज उड़द दाल, आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उड़द दाल में ना ज़्यादा फैट होता है। इफ़ यू लेंटिल और पल्सेस के इंट्रोडक्शन हो गया, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कमिंग टू दीज टू पल्सेस, इसको आप क्या करेंगे, ओवरनाइट सोक कर देंगे और सुबह उसको नमक वाले पानी में उबाल देना है आपको, और उसके बाद आपके इंटरेस्टेड वेजीज जो भी हैं उसमें डाल के आप अपना सैलड बना सकते हैं। बट कमिंग टू दिस लेंटिल, आप इसको क्या करेंगे, ओवरनाइट सोक करेंगे। जिस दिन आपको खाना है उसके पहले दिन सुबह से आपको ये प्रोसेस करना होगा क्योंकि इसमें से स्प्राउट आना चाहिए। वैसे क्या करेंगे, ओवरनाइट सोक कर देंगे और उसके बाद सुबह इसको छन्नी में छान लेंगे जैसे कि सारा पानी इसमें से ड्रेन आउट हो जाए, और उसके बाद इस तरह किसी भी एक हैंकी में, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी नट कर दिया है, ओके, मैंने इसको ऐसे डबल नट कर दिया है, और आपके किचन में और कहीं भी ड्राई प्लेस जहाँ हो उसमें इस तरह से नट बांध के आप उसको ऐसे हैंग करके रख दीजिए। और देखिएगा अगले दिन शाम को जब आप सैलड खाना चाहें, स्प्राउट का सैलड, ऑटोमेटिकली ये स्प्राउट्स आ जाएंगे। सारे वेजीज जो आप यूज़ कर सकते हैं सैलड में, और कितना क्वांटिटी आपको सोक करना है वो मैं बताना भूल गई। आप इसको सोक कर सकते हैं, एक छोटा सा बाउल का जो साइज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, इतने छोटे साइज़ के बाउल का आप चिकपी सोक कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी में अगर आप जाना चाहें तो यू कैन सोक 70-80 ग्राम्स ऑफ चिकपी इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अगर आप इवनिंग में ले रहे हो, बेटर टू गो फॉर 30-40 ग्राम्स। पीसेस में कट किए हुए कुकुम्बर एंड ऑनियन, टमाटर, एंड यहाँ पे मैंने धनिया जो है उसको चॉप कर दिया, और ग्रीन चिलीज जो है उसके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं, सिर्फ उसका आउटर स्किन रखा है, और लेमन। और इसको सीजनिंग करेंगे हम पिंक रॉक सॉल्ट जो है, ओके, मैं किसी ब्रांड का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। इस डाइट प्लान में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ पिंक हिमालयन सॉल्ट। ओके, पर्सन हु लाइक टू हैव ऑलिव ऑयल, देन यू कैन ऑल्सो एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। देखती हूँ ये इस तरह से दिख रहा है, अगर मैं इसको प्रेस करूँगी तो ये सिर्फ टूट रहा है, ना कि पेस्ट बन रहा है, क्योंकि मुझे इसमें से सैलड बनाना है ना कि हम्मस बनाना है। मैं ऐड कर दूंगी अपने सारे वेजेस। मैं पहले है ना, नॉर्मल सॉल्ट की तरह ही आपको लगेगा। पहले दिन जब आप इसको लेंगे तो शायद आपको कुछ डिफरेंस लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। अगर आपको जो टीज हैं जो है उसको अगर आप थोड़ा सा कच्चापन उसका अवॉइड करना चाहते हैं तो बेटर आप जब इसको उबाल रहे हो उसमें पिंच ऑफ ये पिंक सॉल्ट डाल के उबाल दीजिए, ताकि आपके चने में भी अच्छा सा सॉल्ट का फ्लेवर रह जाए। उसका स्लाइस ले रही हूँ, पीस ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टमाटर डाला है, मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं करना है इसको। और इसको मैं कर दूँगी मिक्स। देखिए बनके तैयार हो गया हमारा वाइट चिकपी वाला सैलड। सेम ये सैलड आप बना सकते हैं इस तरह के काबुली चने के से भी, पर्सन और कॉफ़ी पर्सन अगर आप चाहें तो। इसको खाते वक्त आप अपने साथ ग्रीन टी ले सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन हैव योर नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी। बट वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हैं और अगर आपकी ऑलरेडी स्लिम फिट बॉडी है तो शायद कोई दूसरा हो जिसको इस तरह के डाइट वाले फूड चाहिए होता है, सो उनको ये हेल्पफुल हो जाएगा। एंड
जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ना भूलिएगा कि ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.